हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग पूछते हैं कि जामिया में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन कैसे होगा और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो यार आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जामिया में कई तरह के कोर्सेज हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था, प्राइवेट, डिस्टेंस, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। तो प्राइवेट डिस्टेंस आप लोगों को क्लियर है, रेगुलर भी क्लियर है, बस सेल्फ फाइनेंस के लिए सब लोग पूछते हैं कि सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, सेल्फ फाइनेंस यार सारे कोर्सेज के लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जामिया में सारे कोर्सेज के लिए रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस है। कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, जैसा कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उसके बाद बीआर्क है यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का है, उसके बाद स्कूल में और शायद कुछ एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएट के कुछ कोर्सेज में है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में है पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्सेज, इसमें यार सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी हैं। अब इसमें बात आती है कि एडमिशन कैसे होता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो जामिया में, तो उसके पास ऑप्शन होता है, अगर उस कोर्स में आपके पास सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर दोनों है जामिया के पास, तो उसमें यार ऑप्शन आता है आपको कि आप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस का देना चाह रहे हो या फिर रेगुलर का देना चाह रहे हो या बोथ का देना चाह रहे हो। जो बच्चे थोड़ा सा अवेयर हैं या नहीं भी अवेयर है ना, वो देखते हैं कि यार ऑप्शंस तो मेरे पास आ रहे हैं ना, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो बच्चे दोनों में फिल कर देते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, अगर मैं अभी डिप्लोमा वाले की बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे ये बात बहुत पूछे हैं, फिर मैं उसको भी कवर करूँगा और कोर्सेज में कैसे होता है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होता है। डिप्लोमा वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तो रेगुलर की लिस्ट आ रही, तो सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट कैसे आएगी और क्या होगा उसमें, क्या मुझे जाके कुछ पर्टिकुलरली जामिया में करना पड़ेगा या वेबसाइट में ऑनलाइन मुझे कुछ करना पड़ेगा? तो बच्चों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या, अभी सिर्फ रेगुलर की लिस्ट आ रही है, इसमें ऑलमोस्ट 7-8 लिस्ट आ जाएगी, स्पॉट सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर का यानी डे का, उसके बाद इवनिंग की लिस्ट आती है यानी सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आती है। अब किसी बच्चे का सपोज करो किसी पर्टिकुलर कोर्स में या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ले लें कि लास्ट कट ऑफ 40 गया है, तो 40 से कम जितना भी ऑब्वियसली इवनिंग में 40 से कम ही कट ऑफ रहेगा, हो सकता है 0.5 कम रहे, वैसे तो अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, 10-15 मार्क्स का भी कई बार डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो जितना भी कट ऑफ पार्ट टाइम में गया यानी इवनिंग कोर्स में जाएगा, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जाएगा आपका, तो उस सेल्फ फाइनेंस में अगर आपका कट ऑफ मीट करा तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। मतलब सिंपल सी आसान भाषा में, इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाते हुए ये कह रहा हूँ मैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस रिजल्ट का वेट करो, जब लिस्ट आएगी आप अपना नाम चेक कर, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ के अंदर आ जाएगा सेल्फ फाइनेंस के, तो आपको इजीली उसमें एडमिशन हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप चैनल पे बने रहो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अब आते हैं बाकी कोर्सेज के लिए, बीआर का, स्कूल का, उसमें कैसे होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर आपका रेगुलर कोर्सेज के लिए आपका कट ऑफ मीट नहीं कर पाते हो, आप उतने मार्क्स आपके नहीं आते हैं, तो ईजी आपका उसमें एडमिशन हो जाता है सेल्फ फाइनेंस में। हाँ, अब जिन लोगों का अगर उसमें भी बहुत कम मार्क्स है कि सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ के बराबर नहीं आया, तो उसके लिए तो मुश्किल है, स्पॉट में आप ट्राई करें, स्पॉट पर भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, पर्टिकुलर कट ऑफ होता है, उसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं, फिर ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट बस इतना सा ही मुझे आपको बताना था, चूँकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, कैसे करना होता है। बस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।